चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। फटाफट तैयार हो जाइए सब लोग, 9 बज गई है, 9 बजे से ही आपकी डेली टेस्ट होती है। आज का पहला सवाल है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, बताइए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। दोस्तों आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, जमाली था, योसुध था, विपिन था या प्रभास था। तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था, देखिए भगवान महावीर का ये दामाद था दोस्तों, और वो था जमाली, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, जमाली था दोस्तों, याद रखना है प्रथम शिष्य, है ना। तो जमाली कौन था ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जमाली जमाली जो था वो भगवान महावीर का दामाद था, ठीक है, क्योंकि जो भगवान महावीर थे अपनी पुत्री का विवाह जमाली से ही किए थे और यही प्रथम शिष्य बने थे आपके। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, बताइएगा हड़प्पा जो है वो किस सभ्यता से संबंध है। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हड़प्पा नामक जो पुरा स्थल है ये है आपको, बहुत बढ़िया, सुमेरियन नहीं होगा आपका, वैदिक भी नहीं होगा, मेसोपोटामिया क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता है हड़प्पा नामक स्थल, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पहला दूसरा का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना। और हड़प्पा जो है एक जगह भी है जो पाकिस्तान में पड़ता है, और हड़प्पा नामक जगह भी है, ठीक है, ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता भी इसी को कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह यानी कि जो भी विधवा महिलाएं थी उसका फिर से विवाह करने के लिए, है ना, किसने शुरुआत किया था दोस्तों, ऐसे आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग फटाफट आ जाइए, 9 बज गई है और आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जो बगल में बटन लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको आपको दबा देना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, उसके बाद डेली आपको 9 बजे से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कर देना है। चलिए दोस्तों, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ था, तो जल्दी से बताइएगा, लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग के समय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ध्यान रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के फलस्वरूप दोस्तों ये हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल उस समय था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, है ना। तो ये तीनों चीज याद रखना है, कब हुआ था 1856 में, किसके शासनकाल में, कैनिंग के शासनकाल में, और किसके प्रयास से, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। 4 का आंसर क्या होगा, कनिष्क है, हर्ष है, चंद्रगुप्त मौर्य है या फिर समुद्रगुप्त है। तो भारत में दोस्तों प्रथम साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, जी हाँ, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी क्लिक किए हैं उनका बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, है ना। और इसकी राजधानी अपने कहां बनाई थी, तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 नंबर कि अशोक, एक मिनट, पांच नंबर सवाल कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। जी हाँ, तो अशोक ने दोस्तों, अशोक के बहुत सारे जो अभिलेख हैं उसमें से वो कौन सा अभिलेख है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य का भी उल्लेख किया गया है, वो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, नवम है, क्या है,
फाइव का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अशोक का जो स्तंभ लेख था दोस्तों, जिसको अभिलेख कहते थे, ये तीन प्रकार के होता था, ठीक है। पहला तो था जिसको कहते थे शिलालेख, दूसरा जो होता था उसको कहते थे स्तंभ लेख, और तीसरा जो होता था जिसको कहते थे गुहा लेख, है ना। तो ये तीन प्रकार के, तीन वर्गों में इनके स्तंभों को, अभिलेखों को बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो द्वितीय अभिलेख में वर्णन किया गया था दक्षिण भारतीय राज्यों का, है ना, याद रखना है, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अगला प्रश्न है आपका सिक्स नंबर कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया? 9 बजे से डेली टेस्ट होती है, ध्यान रखना है। तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया? क्या होगा? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, जल्दी से बताइएगा, तुगलक वंश, है ना। तुगलक वंश जो हो जाएगा, इन्होंने भारत देश में सबसे अधिक समय तक राज शासन किया था। तुगलक वंश कब से कब तक शासन किया था दोस्तों? तो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, तुगलक वंश, ठीक है, ध्यान रखना है। 1320 से 1414 तक इन्होंने शासन किया, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर हो जाएगा 7 नंबर। करा भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन थी? भारत में कह रहा है पहले, है ना, सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो कौन था? ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश थे, या फिर बुद्ध थे, है ना, महेश मतलब शिव, ठीक है। तो सबसे पहले जिस प्रतिमा को पूजा गया भारत में वो कौन सा प्रतिमा था दोस्तों? तो सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया था, ठीक है, बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया था सबसे पहले, है ना, ये ध्यान रखना है, है ना। ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मार दे, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, दारा शिको, अमीर हसन या सूजा? देखिए दोस्तों, दारा शिको जो था ना, बहुत बड़ा विद्वान था, है ना, और इन्होंने ही दोस्तों हिंदू धर्म के जितने ग्रंथ थे उसका इन्होंने क्या किए थे, अध्ययन किए थे। और ये कौन थे? तो शाहजहां के ये सबसे बड़े पुत्र थे, है ना, सर्वाधिक सुरक्षित था, अध्ययन था, और एक प्रकार का लेखक था, बहुत ज्यादा ये पढ़ा लिखा था, दारा शिको। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, किसका पुत्र था? तो शाहजहां का। शाहजहां का टोटल 4 पुत्र हुआ था, सबसे बड़ा यही था। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा को समाप्त कब किया गया ये बताइए। देखिए भारत में दोस्तों 1843 में, है ना, 1843 में एक्ट 5 के द्वारा भारत में, उस समय तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड एलन बरो, है ना, लॉर्ड एलन बरो ने ही दास प्रथा का उल्लंघन किया था। तो ये ध्यान रखना है, 1843 की ये घटना है जब लॉर्ड एलन बरो ने ही भारत से क्या किए थे, दास प्रथा का अंत किए थे। इनका जो कार्यकाल था एलन बरो का, ये 1842 से लेकर के 1844 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था भारत में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी, जल्दी से बताइएगा। अमोघ वर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, ध्रुव या कृष्ण प्रथम? देखिए राष्ट्रकूट वंश की अगर हम स्थापना की बात करें तो 736 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दंती दुर्ग के द्वारा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों दंती दुर्ग, है ना, किसने नींव रखी थी, दंती दुर्ग ने। आंसर क्या हो जाएगा, दंती दुर्ग कब रखी थी, 736 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर, कह रहा है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। आप सभी के लिए डेली 9 बजे से हम टेस्ट लेके आते हैं और ये एग्जाम में काफी आपकी सहूलियत होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। आप देखिएगा, आप डेली वाइज डेली बस हमारा क्लास करते चलिए, जो पीडीएफ दिया जाता है उसको याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, टेस्ट देते चलिए। और जो डीएलएड वाला जो आप लोग को दिया गया है दोस्तों 70-71 पेज वाला, उसको एकदम 3-4 बार आपको पढ़ जाना है, देखिएगा आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर के लिए आप एक वर्षिकांक ले लीजिए, है ना, आप उसको पढ़ते रहिए पूरे एक साल वाला, वो आपको वहीं से रहेगा, एक साल से ज्यादा नहीं पूछता है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये स्थापना किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, बहुत बढ़िया, मैडम एच पी व्लादिवोस्की, है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला थी, है ना, ये कौन थी, रूस की महिला थी मैडम एच पी व्लादिवोस्की, है ना, इन्होंने द्वारा किया गया था। और ये जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था, है ना। अगर पूछे कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई 1875 में और कहां हुई थी, तो न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है, कहां हुई थी, तो न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर, प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। 12 नंबर प्रश्न है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। देखिए आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है आपका 1930 में, है ना, 1930 से ही शुरुआत होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही दोस्तों उत्तर बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। और ये पड़ता है बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर, प्रश्न है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया कब गया था, तो आपको पता है दोस्तों, है ना, भारत बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और उसी समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था, हुआ था ना 7 अगस्त, मैंने कई बार बता चुका हूं 7 अगस्त 1905 को हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो इसी में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को, और इसका आंसर भी हो जाएगा आपका डी नंबर 1905, तो इसी समय दोस्तों इसको बहिष्कार किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 14 नंबर, फटाफट आपको जवाब देते चलना है, है ना, ये आपको जवाब देखिए देने से ना क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आपके दिमाग में वो चीज सेट कर जाएगा। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों मोपला विद्रोह, हाँ तो मोपला विद्रोह कहां हुआ था भाई साहब, जल्दी से बताइएगा। आपको पता है एक चीज, ज्योग्राफी का ये चीज है कि केरल ये राज्य है, केरल के तट को क्या कहते हैं, तो केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट, क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। और ये जो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार, तो हम कहे बताए, क्योंकि मोपला विद्रोह जो हुआ था ये मालाबार तट पर ही हुआ था, यानी कि केरल में हुआ था, ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है मालाबार तट कहां भाई, केरल में है। और ये कब हुआ था, कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1921 में। अगला प्रश्न चलते हैं 15 नंबर, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना तो सबसे पहले आपको कई बार पूछा गया है, 1828 ईस्वी में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, है ना, किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय, है कि नहीं, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। अब कह रहा है कि ये जो किस सिद्धांत पर आधारित था ब्रह्म समाज, तो ये आधारित था दोस्तों एक देववाद पर, है ना, एक देववाद पर ये आधारित था आपका ब्रह्म समाज,
इसी को कहा जाता है एकेश्वरवाद भी। एक देववाद कहिए या फिर आपको कहा जाए एकेश्वरवाद, भैया दोनों एक ही है, एकेश्वरवाद, ये दोनों चीज एक ही है ना। एकेश्वरवाद यानी कि एक देववाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था तथा अवतारवाद का खंडन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 16 नंबर की, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो पहला सत्याग्रह हमारे गांधी जी कहां से किए थे, सबको पता है, अपना बिहार है ना, कहां से किए थे, देखिए कंफ्यूज कर गया ना। अब हम बोल दिए अपना बिहार तो अब सब लोग खोज रहे हैं बिहार, और बिहार इसमें है ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध है ना, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कब किए थे, तब 1917 में किए थे और वो चंपारण में किए थे, तथा उसके बाद उनका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में किए थे अहमदाबाद के कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष के लिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अगर ऑप्शन में 17 रहता तो आप 17 भी मार सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है तो आप इसको सी मार के चल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर की, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 अक्टूबर 1943, है ना, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से ही सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा किए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये डेट आपको बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, एक वर्ष में स्वराज, तो एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था कब गांधी जी के द्वारा, यह दिया गया था दोस्तों आपको असहयोग आंदोलन के समय, है ना, यह दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से, है ना, 1 अगस्त 1920 से ये शुरुआत हुई थी, और ये कब तक चला था, तो 5 फरवरी 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड हो गया था 5 फरवरी को, है ना, उसके बाद ये क्या हो गया था, स्थगित हो गया था, है ना, 12 फरवरी को इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त करने का इसमें नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, महात्मा गांधी, है ना, हम लोग कैसे बोलते हैं महात्मा गांधी, तो पहले उनका महात्मा नहीं था, महात्मा किसने संबोधित किया, तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहले महात्मा की उपाधि उनको दिए थे। आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी, वही टैगोर थे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान की रचना की है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी दोस्तों, तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था आपको 1942 में, कब हुआ था, मार्च अप्रैल का समय था 1942 में, और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, ये देखिए क्वेश्चन मैंने कल भी लगता है डिस्कस किया था कि शीतकाल में वर्षा जो होती है वो होती है दोस्तों लौटते हुए मानसून से, है ना, लौटते हुए मानसून से, जो नॉर्थ ईस्ट से आता, नॉर्थ ईस्ट से जो मानसून आता है वो बंगाल की खाड़ी से आपको नमी ले लेता है, और ये जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का, है ना, यहां पर ये टकराता है
पूर्वी घाट पर्वत पर, और ये जाड़े के दिनों में ये वर्षा करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल, किस क्षेत्र में कह रहा है दोस्तों, है ना, किस क्षेत्र में वर्षा होती है। देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है ना, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। देखिए शीतकाल में भारत में दो जगह बारिश होती है, ठीक है, भारत में शीतकाल में दो जगह बारिश होती है। ये दो जगह कौन कौन है भाई, मैं अभी आपको बता देता हूँ। दोनों जगह मैं थोड़ा सा डिस्कस आपसे कर लेता हूँ, नहीं करूंगा तो फिर आप कहिएगा कि भाग गए, है ना। ये देखिए एक तो आपको नॉर्थ इंडिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये जैसे पंजाब है आपका, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। जाड़े के दिनों में यहाँ पर ओलावृष्टि होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर पानी पड़ता है। और ये जो होता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बारिश होती है वो कैसे होती है, जाड़े के दिनों देखिए थोड़ा बहुत इसका जो असर है वो बिहार में भी आ जाता है। तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, है ना, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये बारिश होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आती है, ये भूमध्य सागर से उठती है, और भूमध्य सागर से उठने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है प्रत्येक साल आपका। लेकिन भारत में दोस्तों एक जगह और बारिश होती है जाड़े के दिनों में, भारत में एक जगह और बारिश होती है, और वो जगह है आपका कोरोमंडल तट, है ना। ये जो नॉर्थ ईस्ट है, यहां से जब मानसून लौटते रहता है तो कोरोमंडल तट पर पूर्वी घाट पर वैसे टकराती है और यहां पर भी बारिश करती है, ठीक है। तो जाड़े के दिन में दो जगह बारिश होती है, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सबसे लंबी है। सबसे लंबी पूछ रहा है, ध्यान देना है आपको, बड़ी नहीं पूछ रहा है, लंबी पूछ रहा है। 22 का आंसर क्या होगा, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो है नील नदी, है कि नहीं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, लेकिन ऑप्शन में नील नदी नहीं दिया गया है। नील नदी की लंबाई है 6650 किलोमीटर। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों अमेजन नदी की, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन की लंबाई है 6400 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों यांगची नदी, यांगची नदी चीन में बहती है, 6300 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद लंबाई में आता है मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो अमेरिका में बहती है, वो 6275 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। यहां पर आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 नंबर। प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो कई बार आप लोगों को बताए हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हमारा कौन सा, वो हो जाएगा आप देखिएगा दक्षिण अमेरिका जाइएगा दोस्तों, तो ये दक्षिण अमेरिका दिखेगा, और यहीं पर आपको यहां से शुरुआत होता है, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, महादेश, और यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी लंबी है। इसका नाम क्या है आपको, इसका नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है, इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो आपको ये बहती नहीं है, मतलब कि ये पर्वत है, तो ये आपका सबसे लंबी है दक्षिण अमेरिका। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है दोस्तों 7200 किलोमीटर, ठीक है, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो भारत से बड़ा मात्र कितने देश है, तो क्षेत्रफल में 6 देश है। भारत से बड़ा कितने देश है, 6 देश है। एक तो ब्राजील बड़ा है, ये आंसर नहीं होगा, रूस बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो नहीं था वही बता रहा है, ठीक है। भारत से बड़ा कौन कौन है, तो सबसे एक नंबर में रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर। कह रहा है कि 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है और वो कौन सा है, सबको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका हरियाणा। सबसे कम हरियाणा, सबसे ज्यादा केरल। हरियाणा का आखिर दोस्तों कितना है, इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा, हरियाणा का लिंगानुपात है मात्र 879, है ना, मात्र 879 है 2011 के अनुसार, ठीक है।
सिक्किम का कितना है साहब? भाई साहब सिक्किम का हो जाएगा 890 लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुष पर हरियाणा में मात्र कितनी महिलाएं हैं? 879 महिलाएं हैं। सिक्किम में 890 महिलाएं हैं, पंजाब में 895 महिलाएं हैं और जम्मू कश्मीर में 890 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सॉरी, जम्मू कश्मीर में दोस्तों 899 है, 899 है, ठीक है। सबसे अधिक वाला कौन होगा? तो सबसे अधिक वाला हो जाएगा केरल, 1084 है ना, 1084 है केरल का लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुष पर वहां पर महिला क्या है? ज्यादा है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26 नंबर, कह रहा है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य तीन नगरों के घड़ी के समयों का समान नहीं होता? किस एक क्षण में? ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा, लंदन, लिस्बन, यकरा, अदिस अबाबा। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, जो लंदन है यूके है, और जो लिस्बन पुर्तगाल है, और जो अकरा घाना है, ठीक है, यहां का जो समय होता है दोस्तों वो क्या है? समान है। आखिर समान का है भाई, ये तीनों का टाइम एक काहे है? एक इसलिए है क्योंकि ये तीनों जो गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये तीनों देश से गुजरती है, तो तीनों देश का यही मानक समय रेखा है, तो तीनों का समय एक है। भारत का मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री, पता है कि नहीं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत, है ना, तब ना भारत 0 डिग्री से कितना आगे है लंदन से, तो लंदन से भारत 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, ये आपको पता है, नहीं पता है तो वो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, एनसीईआरटी आप जाकर वो पढ़िए फिर, है ना, वहां पर सारे चीज बताए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जो ये अदिस अबाबा है, ये पड़ता है इथियोपिया में, और ये दोस्तों कितना डिग्री देशांतर है? तो ये है आपका 38 डिग्री 74 मिनट, है ना, 38.74 डिग्री पर ये दोस्तों पूर्वी देशांतर पर स्थित है आपका इथियोपिया, इसीलिए इसका समय में क्या है? अंतर है। क्वेश्चन में यही था, वो कौन सा देश है जिसका समय में अंतर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी क्या है? नंदा देवी कोई देवी भी नहीं है, नंदा देवी एक पर्वत है, ठीक है, तो पर्वत कहां है? हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल या सिक्किम? नंदा देवी है दोस्तों, हिमालय पर्वत की सर्वोच्च श्रृंखलाओं में इसका नाम होता है, और ये उत्तराखंड में है, ठीक है, कहां है? उत्तराखंड में है आपका ये। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर, कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? चांदी उपलब्ध नहीं होता है, चांदी उपलब्ध नहीं होता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कहां पे चांदी निकलता है भाई? देखिए भारत में चांदी अगर कहे सबसे अधिक कहां है, तो वो है राजस्थान में, सबसे अधिक चांदी जो है वो राजस्थान में उत्पादन होता है, झारखंड में भी चांदी है, आंध्र प्रदेश में भी चांदी है, कर्नाटक में भी चांदी है, एमपी में भी चांदी है, उत्तराखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, गुजरात में नहीं है, ठीक है, और यही पूछ रहा था आपसे, है ना, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, कि सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? तो सूर्योदय का देश सबको जानते हैं दोस्तों, जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश, क्योंकि ये क्या है, सबसे पूर्व में है, इसलिए इसको सूर्योदय का देश कहा जाता है, ठीक है। हाँ, जापान के जो लोग हैं ना, वो अपने देश को क्या कहते हैं? वो अपने देश को निप्पन कहके पुकारते हैं, निप्पन का मतलब होता है सूर्योदय का देश, ठीक है, और जापान को सूर्योदय का देश इसलिए कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर, कि उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो पहला नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। दूसरा नंबर पे कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और तीसरा नंबर पे आपका है बिहार, और चौथा नंबर पे आपका है वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र का, उसके बाद आ जाएगा बिहार का। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, की भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो कार्य करने वाले लोगों की संख्या किस क्षेत्र में अधिकतम होती है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, इनमें से कोई नहीं।
देखिए यहां पर दोस्तों हमारे यहां ना डीएलएड और समान अध्ययन दोनों की तैयारी हो जाएगी और दोनों की क्लासेस चल रही है ना, एक दिन समान अध्ययन एक दिन आपका डीएलएड, दोनों आपको 75-75 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, यानी कि 150 सवाल पूछा जाएगा, इसमें से आपको जितना मैक्सिमम लाना है आप ले आइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, समझ रहे ना, और जितना करवा दिए बस उतना आपको करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, हमारा नंबर है 7857824310 है ना, जो इनको पीडीएफ चाहिए उनके लिए 399 यहां पर चार्ज लगेगा, उनके बाद ही उनको पीडीएफ मिल पाएगा, ठीक है, तो ऑनलाइन आपको पे करके आपको भेजना होगा तभी आपको मिल पाएगा, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, ठीक है। तो प्रश्न यहां पर क्या कह रहा था कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है, तो सबसे ज्यादा कार्य किस क्षेत्र में करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा कार्य करने वाले लोग जो हैं वो किसमें हैं, तो सबसे ज्यादा कार्य करने वाले लोग हैं हमारे प्राथमिक सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कार्य करने वाले हैं, है ना, चलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर कि छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, छिपी हुई बेरोजगारी का नाम सुने हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, बेरोजगार व्यक्ति, गृहिणियों में बेरोजगारी, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी, या किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्ति लगे रहना, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी नंबर। अब इसे मान लो दोस्तों कि एक बीघा जमीन है, 10 आदमी मिलकर के खेती कर रहा है तो भी उतना ही उत्पादन होगा, और 20 आदमी मिलकर के 10 बीघा में खेती कर रहा है फिर भी उतना ही उत्पादन होगा, तो ये 10 आदमी क्या हो गए, 10 आदमी बेरोजगार हो गए, 10 आदमी बेरोजगार हो गए, इसीलिए इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंदी क्या है, मंदी क्या है, बंदी क्या है, बताइएगा मंदी क्या है, मंदी क्या है, तो मंदी उस स्थिति को प्रकट करती है जब वस्तु की मांग न होने से उत्पादन एवं रोजगार में कमी की जाए, है ना, यानी कि वस्तु की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन और रोजगार में कटौती, उसी को कहते हैं मंदी, है ना, उसी को क्या कहते हैं, मंदी। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर की एफएओ किसका संक्षिप्त रूप है, एफएओ का पूरा नाम बताना है दोस्तों, देखिए इसको कहते हैं दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, याद रखना है एफएओ का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है काली मुद्रा क्या है, काली मुद्रा नहीं है मुद्रा है, है ना, यानी कि काली मुद्रा किसको कहते हैं, ऑप्शन है कि यह अवैध मुद्रा है, या फिर यह जाली मुद्रा है, या गंदी मुद्रा है, खराब मुद्रा है, क्या होगा, या फिर यह अवैध आय है जिसका जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। काली मुद्रा का मतलब यही होता है कि वैसी मुद्रा से तात्पर्य है जिस पर आयकर नहीं दिया गया, यानी कि टैक्स नहीं दिया गया, ना ये ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, है ना, आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, आप लोग के पास भी है तो सोच लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, 36 है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा, पंचवर्षीय योजना दोस्तों भारत में, भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना जवाहरलाल नेहरू, है ना, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था, ठीक है, जो कहां से लिया गया था दोस्तों, तो रूस के संविधान से इसको लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का आर्थिक नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है, क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, स्फीति दबाव का नियंत्रण करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, 37 का आंसर हो जाएगा कि देखिए रिजर्व बैंक जो है ना वो सरकार का बैंकर कहलाता है, रिजर्व बैंक जिसके प्रमुख कार्य स्फीति दबाव को कम करना है और सरकार को वित्त उपलब्ध कराना है, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना है, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 38 नंबर कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंद्रधनुष क्रांति,
देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, है ना, इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। तो इसीलिए इसको कहा गया है दोस्तों कि इसमें श्वेत क्रांति भी आ जाएगा, हरित क्रांति भी आ जाएगा, नीली क्रांति भी आ जाएगा, यानी कि सभी क्रांतियों को सम्मिलित रूप से ही कहा गया है इंद्रधनुष क्रांति। ये शुरुआत हुआ था आपका 28 जुलाई 2000 को, केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी और इस नई नीति के तहत ही इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है 39 नंबर की, कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। देखिए आर्थिक नियोजन के 6 उद्देश्य हैं। अब 6 उद्देश्य में जो मैं बोलूंगा अगर वो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो वो आंसर हो जाएगा। तो आर्थिक नियोजन का 6 उद्देश्य है, एक तो आर्थिक वृद्धि, तो आर्थिक वृद्धि तो ऑप्शन में दिया हुआ है, है ना, रोजगार आपका सृजन करना ये भी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना, औद्योगिक वृद्धि ये भी नहीं होगा, गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता, आर्थिक असमानताओं की कमी लाना, ये टोटल दोस्तों 6 हैं आपको आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, और 6 में से आपको जनसंख्या वृद्धि जो दिया गया है ये आपको गलत दिया गया है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में नहीं आते हैं। ठीक है, आर्थिक वृद्धि आता है, रोजगार सृजन आता है, औद्योगिक वृद्धि आएगा, गरीबी निवारण आएगा, आत्मनिर्भरता आएगा, आर्थिक असमानताओं में कमी आएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40 नंबर की, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। फसल बीमा योजना का शुभारंभ जो हुआ था, ये प्रथम प्रयास जो किया गया था 1 अप्रैल 1985, 1 अप्रैल 1985 आपका आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, याद रखना है 1 अप्रैल 1985। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41 नंबर, कर निम्न करों में से कौन सा एक कर जो है वो संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बंटवारा होता है। बताइए दोस्तों कौन सा वो टैक्स है जो संघ द्वारा लगाया वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्य में दोनों में बंटता है। कारपोरेट कर, कृषि आय के अतिरिक्त आय कर, रेलवे किराए तथा भाड़े पर कर, कस्टम कर। 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर की, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन क्या है। मौलिक कर्तव्य, देखिए हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था लेकिन इसको जोड़ा गया बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे और इसको अनुच्छेद 51 के क में इसको जगह दिया गया था और भाग 4 के क में इसको जगह दिया गया था। ठीक है, जब ये जोड़ा गया था इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ही मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो मौलिक कर्तव्य जो भारत में लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी कौन है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, राज्य वित्त आयोग है, क्या होगा। तो देखिए मुख्यमंत्री राज्यपाल का ये सब काम नहीं है, राज्य वित्त आयोग का ये सब काम होता है, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, काहे नहीं किए हैं, कर दीजिए सब लोग लाइक थोड़ा सा। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है तो 9 बजे आप डेली लाइव आ जाएगी, 9 बजे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा नोटिफिकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको 44 नंबर की, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति, हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, किसने शुरू किया था, तो बलवंत राय मेहता, है ना, बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरुआत हुआ था राजस्थान के नागौर जिला से। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर की, यदि
पंचायत भंग होता है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? पंचायत मान लीजिए कि भंग हो गया तो ये निर्वाचन होता है दोस्तों आपको 6 माह पर, है ना, 6 महीना पे फिर से वहां पर वोट होगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। और ये अनुच्छेद 243 के ई के 3 के बी के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। ये सारे हमारे संविधान में वर्णन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित होती है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 248, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां जो है, है ना, ये संघीय संसद को सौंपी गई है। ठीक है, संघीय संसद को सौंपी गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि अवशिष्ट शक्ति किसमें होती है? संसद में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 47 नंबर की, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? कहां पंचायती राज संस्था नहीं है? असम, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा। पंचायती राज नहीं है भैया, नहीं है। तो वर्तमान समय में मिजोरम, दिल्ली, मेघालय और नागालैंड, ये जगह पर पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, आपको नोट करना है, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, है ना। लेकिन इसके अलावे मिजोरम, है ना, इसके अलावे मिजोरम, इसके अलावे मेघालय, है ना, मेघालय, उसके अलावे दिल्ली, ठीक है, ये नगर पंचायती राज नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? देखिए तो ये शक्ति किसके पास दिया गया है दोस्तों, भारतीय जो नागरिक है उसके मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का, तो ये है संसद के पास ही ये शक्ति दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49 नंबर कि निम्न में से कौन एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं हो बताइए। ऑप्शन एक कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में है। ये बात सही है, हाँ ये सही है दोस्तों। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 ये भी ठीक है, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970, राष्ट्रीय जल नीति 1987 ये भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया है ये गलत है। ठीक है, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में नहीं हुआ था बल्कि 1956 में हुआ था। ठीक है, ये आपको 56 में हुआ था नदी बोर्ड्स एक्ट, है ना, बाकी सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, एक श्रेष्ठ नागरिक कौन है? बताइए क्या आप एक श्रेष्ठ नागरिक हैं? एक श्रेष्ठ नागरिक कौन है? वही है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, उचित उच्च शिक्षक हो, संविधान विज्ञ हो। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से क्या हो? जागरूक हो, वही एक श्रेष्ठ नागरिक है। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर की, निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग है? बताइए यांत्रिक तरंग कौन है? देखिए ध्वनि तरंगे क्या है दोस्तों? ध्वनि तरंगे ही तो यांत्रिक तरंगे हैं, है ना, ध्वनि तरंगे ही तो हमारी यांत्रिक तरंगे हैं, जबकि जो रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, प्रकाश तरंगे हैं, ये सब कैसी तरंगे हैं? सब चुंबकीय तरंगे हैं, है ना, रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, एक्स तरंग, ये क्या है? ये चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय, लेकिन जो ध्वनि तरंग है ये आपको यांत्रिक तरंगे हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहते हैं? देखिएगा आंख में आंख डाल के, है ना, प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है और कैसा बनता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक तो छोटा तो बनेगा ही, है ना, और कैसा बनता है? उल्टा बनेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहां पर बनता है? तो ये बनता है दृष्टि पटल पर। ठीक है, कहां बनेगा? दृष्टि पटल पर। अगला प्रश्न है, है ना, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 53 नंबर की, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? पानी में छोड़ दीजिए, पता चल जाएगा। जंग लग गया तो इसका भार क्या होगा? पहले से तौल लीजिएगा 1 किलो लोहा, है ना, उसको पानी में छोड़ दीजिएगा 6 महीना साल भर, बरसात के दिन आएगा, फिर उसको तौलिएगा कि इसका वजन बढ़ा कि घटा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बढ़ता है वजन, ठीक है, घटता नहीं है, वजन बढ़ जाता है।
बढ़ता जाता है। तो बढ़ता इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है ना, ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अपना वजन बढ़ा लेता है। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको यह नंबर दिया गया है जहां आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा क्योंकि पीडीएफ नोट्स बनाने में काफी मेहनत लगता है, इसीलिए आपको ठीक है मात्र 399 चार्ज है, जो हमारे नए शिक्षक जुड़ेंगे उनके लिए, और जो पहले से जुड़ चुके हैं हमारे यहाँ है ना, पहले से जैसे साल भर, क्योंकि दो साल से हमारे यहाँ तैयारी चल रही है, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको मात्र 201 रुपया लगेगा, और जो अभी तक नहीं जुड़े थे उनको 399 लगेगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 54 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, धोने वाला सोडा, खाने वाला नहीं, धोने वाला, यानी कि सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहता है ना, और जो खाने वाला होता है उसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। तो 54 का आंसर हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का धोने वाला सोडा का सूत्र Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एक कपड़ा धोने के लिए साबुन में होता है। ठीक है, और पहले धोने वाला सोडा भी आता था, लेकिन अब तो सोडा से कोई होता है, कपड़ा नहीं धोता है। अगला प्रश्न है कि राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स क्या होते हैं दोस्तों, तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं जल्दी से बताइएगा। राइबोजाइम्स जो होते हैं RNA होते हैं, RNA का फुल फॉर्म तुमको पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या फिर राइबोजाइम्स RNA एक अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर की, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा संपादित होती है दोस्तों, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा 56 का। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण भी आप लोग को पता होना चाहिए, वो भी कभी बताया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर की, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। बताइए, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, तो ये होता है पानी के ऊपरी सतह के अणुओं के ससंजक बल के कारण है ना, उत्पन्न जो पृष्ठ तनाव है जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर की, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग क्या चीज, पायरोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों वो किस चीज के लिए किया जाता है, किस चीज को मापने के लिए, तो उच्च ताप को मापने के लिए दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं है ना, उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग करते हैं पायरोमीटर है ना। ये जो मीटर है ये स्टीफेन के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59 नंबर की, जिस तत्व के परमाणु के दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। बताइए है ना, जिस तत्व के परमाणु के दो प्रोटॉन हो दो न्यूट्रॉन हो दो इलेक्ट्रॉन हो तो उसका द्रव्यमान संख्या जो होगा वो कितना होगा, तो आपका 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर की, मानव शरीर पर तापक्रम, मानव शरीर पर तापक्रम जाड़े में घट जाता है या गर्मी में बढ़ जाता है, क्या होगा दोस्तों 60 नंबर का। देखिए, मानव शरीर में जो तापक्रम है ना वो साधारणतः कितना रहता है, तो 98.6 है ना डिग्री फॉरेनहाइट में रहता है। ठीक है, और अगर सेंटीग्रेड में कहे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेम्परेचर उतना ही रहता है आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका देखिए कुछ मैथ के भी सवाल दिए गए हैं, तो मैथ वाला सवाल यहां पर आप लोग बनाइएगा और इसको आप लोग, नीचे आंसर दिया गया है ना, हम इसको अभी यहां से रिमूव करते हैं, मतलब कि अलग जल्द है इसको, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको बनाने का प्रयास कीजिएगा, कुछ रीजनिंग भी दिया गया है ना, क्योंकि यहां पर अगर बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड होगा। कुछ प्रश्न और भी यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो
तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो टका है, सबको पता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, याद रखना है ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला है दोस्तों 72 नंबर के, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इसका मुख्यालय है दोस्तों आपको कहां? रांची, अहमदाबाद, नागपुर, मैसूर, ये हो जाएगा आपका नागपुर में, है ना। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की अवस्थापना है राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। कब हुआ था इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना? तो 1 मार्च 1948 को, 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर के, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं जल्दी से बताइएगा? राज्यसभा कभी भंग होता है? नहीं, राज्यसभा कभी भी बंद नहीं होता है, राज्यसभा अस्थायी सदन है दोस्तों, है ना। उसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 होता है, प्रत्येक 3 साल पर 2/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 73 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर कि 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब, है ना। राज्यसभा में कितने सदस्य? 250 सदस्य है, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74 की, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क है। और यूनिसेफ दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 11 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 75 नंबर के, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्न में से किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, तो ये आपको लिया गया है किस पुस्तक से? आंसर हो जाएगा आनंद मठ से, ठीक है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम गीत जो है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा सर्वप्रथम कब गाया गया था? सर्वप्रथम ये गाया गया था 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का 75 प्रश्न। आपको कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको दोस्तों पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर सभी प्रधान शिक्षक हैं, आप अपने से यहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं सभी शिक्षकों से, सारे चीज आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। तो जो हमारे नए शिक्षक हैं अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो उनको मात्र 399 लगेगा, और जो पुराने शिक्षक जो पहले से हमारे यहाँ जुड़े हैं 2 साल से जो क्लास चल रही है तो उनको मात्र 201 रुपया लगेगा। ऑनलाइन आपको पे करना होगा फोन पे या गूगल पे के माध्यम से, ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310, नोट कर लीजिएगा। ये नंबर को पहले सेव कर लेना है, उसके बाद आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, उसके बाद पेमेंट करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट भी जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए और आपको सभी पीडीएफ भेज दिया जाए, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। जो भी आप लोग का सवाल होगा, कुछ अगर पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट को छोड़ सकते हैं, हम उसका जवाब आप लोग को दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।